गया अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने देखा कि सब्सिस्टेंस वे थ्योरी क्या कहती है, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। सब्सिस्टेंस वे थ्योरी ये कहती है कि जो लेबर का पेमेंट होना चाहिए, लेबर को वेजेस कैसे देना चाहिए, वेजेस सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस इसका मतलब उसे ज्यादा मनी वेजेस नहीं देना चाहिए। तो मनी वेजेस कैसे होने चाहिए, कम से कम होना चाहिए, है ना, क्योंकि ज्यादा मनी वेजेस दोगे तो वही आपने पीगू का वो रूल सुना है, पढ़ा होगा क्या आप लोगों ने, कि लेबर को मनी वेजेस सब्सिस्टेंस या वेज कट क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप मनी वेजेस जब ज्यादा दोगे, अब इसमें थोड़ा जेएस मिल का भी कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो रहा है ना बॉस। जेएस मिल की थ्योरी कौन सी है, वेज फंड, कौन सी है, वेज फंड थ्योरी पढ़ी आपने, क्लासिकल थ्योरी है ये, यहीं पे ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। वेज फंड थ्योरी, क्योंकि क्लासिकल यह मानते थे कि जो लेबर को वेजेस दिया जाएगा वो किससे दिया जाएगा, वेज फंड से, एक अलग से कंपनियां क्या करती थी, वेज फंड बनाती थी, तो उसके थ्रू आपको वेजेस मिल दिए जाएंगे, क्लियर। अब वेज फंड थ्योरी में के अकॉर्डिंग जब मनी वेजेस आप ज्यादा दोगे, वेजेस आप बढ़ा दोगे, तो आपका वेज फंड क्या होगा, कम हो जाएगा, कम होगा ना, जो कंपनी के लिए नुकसान है। और वेज फंड जब मनी वेजेस ज्यादा दोगे तो लेबर क्या करेगा, लेबर लेजर करेगा, क्या करेगा, लेजर करेगा। और इनका पीगू का ये भी कहना था कि जब लेबर लेजर करेगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, है ना, पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि जो टाइम उसको काम में देना चाहिए था वो टाइम वो फैमिली के साथ स्पेंड कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में पॉपुलेशन बढ़ेगी और जो लेबर की सप्लाई है, लेबर सप्लाई, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब जब लेबर सप्लाई ज्यादा बढ़ गई, यहाँ पे शुरू में जब वेज फंड था, मनी वेजेस हमने बढ़ाया, तो यहाँ 10 मजदूर थे, अब यहाँ पे 40 मजदूर हो गए, तो अब 40 मजदूरों को अगर जो आप यहाँ 10 मजदूरों को आप 10-10 रुपए दे रहे थे वेजेस, तो यहाँ 100 हुआ, अब यहाँ 40 को दोगे तो कितना हो गया, 400 हो गया, तो कंपनी को घाटा कितने का हुआ, 400 में 100 माइनस करो 300 का, ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको। तो कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां ये चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग काम करें, ताकि पॉपुलेशन ना बढ़े और लेबर सप्लाई ना बढ़े और उनको ज्यादा पेमेंट ना करना पड़े, क्लियर सिमरन, है ना। और ये क्वेश्चन पूछता है कि वेज फंड थ्योरी किसने दी थी, जेएस मिल में। अच्छा एक चीज और है, क्लासिकल नियो क्लासिकल, ये कहीं एक मतलब मेरे ख्याल से क्या सिमरन किसी सिलेबस, क्या सिलेबस में लिखा हुआ है क्या कि क्लासिकल को अलग से पढ़ना है, नियो क्लासिकल को अलग से पढ़ना है, किन्जियन को अलग से पढ़ना है, सिलेबस में क्या मेंशन है, और कुछ नहीं मेंशन है ना, जबकि आपको सबसे पहले बेसिक्स है, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं आयुष, तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, क्योंकि उससे हमारा क्या होता है, उससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि जो क्लासिकल्स हैं और जो नियो क्लासिकल है, किन्जियन है, नियो किन्जियन है, न्यू किन्जियन है, न्यू क्लासिकल्स हैं, ये जितनी स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स चली हुई है, इस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का क्या कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमिक्स फील्ड में। तो ऐसी कंडीशन में इन्हीं के द्वारा जब आपको स्कूल क्लियर हो जाएगी, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के जितने क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट या एनटीए का अगर जो किसी सब्जेक्ट का वो ले रहा है एंट्रेंस, तो आजकल क्रोनोलॉजी ऑर्डर में उसे बड़ी दिलचस्पी है, तो क्वेश्चन वो क्रोनोलॉजी ऑर्डर से पूछ लेता है, जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड से पूछ सकता है कि डिमांड पहले आया कि यूटिलिटी पहले आई कि आई डिफरेंस आईसी करो पहले आया, है ना, क्लियर आयुष। हाँ अब आवाज आपकी साफ आ रही है, ठीक। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द डायनेमिक थ्योरी ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट अराइजेस ड्यू टू, फोर्थ में चाहिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट अराइजेस ड्यू टू,
अनसर्टेनिटी, रिस्क बियरिंग, इनोवेशन, ऑल ऑफ द अबव। डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है। चलो ठीक है, ये इनोवेशन है, सॉरी सी है, इसमें थोड़ा सा नंबरिंग में गलती हो गई है, बी और ये सी और ये डी, तो इसका क्या है, सी है, इनोवेशन डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। किसका था ये, शुम्पीटर का था। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट देन स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट इज। आप आयुष, आपका क्या कहना है? है ना, ये हो गई आपकी मार्जिनल कॉस्ट, ये हो गई एवरेज कॉस्ट। इस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ये थोड़ा ज्यादा नीचे चला गया है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे होके यू सेप रहता है, एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे जहां पे वो कट करता है मार्जिनल कॉस्ट, किसको, एवरेज कॉस्ट को, देन स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट विल बी जीरो। यहां पे स्लोप कैसा रहता है देखो, थोड़ा और अच्छे से बताता हूं, समझ में आ जाएगा। ये मार्जिनल कॉस्ट, यहां पे मान लो कट कर रहे इस पॉइंट पे, ये एवरेज कॉस्ट। अब इस पॉइंट पे जहां पे वाई इक्वल है किसके, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, यहां पे स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, इस पॉइंट पे कैसा स्लोप है एवरेज कॉस्ट का। सिमरन, मिनिमम पॉइंट है और मिनिमम पॉइंट कांस्टेंट है, तो स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस था, इजी ही। अच्छा दूसरी चीज, आप क्वेश्चन जब करेंगे तो ऐसे ही हवाबाजी में नहीं करना है, पेपर में थोड़ा सा टाइम निकाल करके पेन कॉपी लेकर के अपना ग्राफ बना लेना है ना। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इनवर्स डिमांड फंक्शन। ऑप्शन ए बोलिए, वेरी गुड आयुष। अरे बच्चे यहां देखो, यहां क्या लिखा है इस पॉइंट पे, इनवर्स, इनवर्स लिखा है ना, तो इन चारों, मतलब एक कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा भी अगर जो हमें मैथमेटिक्स का नॉलेज है, इसमें इस फंक्शनल रिलेशनशिप में पी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ डिमांड या डी इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस या इन चारों में केवल कौन से हैं, ये डी है इनवर्स में और सी है इनवर्स में, और डिमांड फंक्शन का जस्ट अपोजिट होता है क्या, इनवर्स डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन हो गया आपका बी, बी ऑप्शन जो है वो क्या है, डिमांड फंक्शन है, और जो सी है वह क्या है, इनवर्स डिमांड फंक्शन। क्लियर। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन डीयू पूछती है ना, मतलब डीयू में ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा पसंद किए जाते हैं। अगला देखिए,
L shape average cost curve is witnesses in the large firm because only in the law of increasing return to operate, the law of constant return to scale operate, only the law of constant return to operate, the operation of decreasing return continuously postponed. बताइए क्या होगा ऑप्शन. मैंने बताया था ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण होता है, ये बात बिल्कुल सही है. ओनली द, ये को ये उसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, लॉन्ग रन में इनवेलप थ्योरम का क्वेश्चन है ऐसे. है ना, पढ़े हैं आप लोग, सॉरी इनवेलप का नहीं है ये, उसका है क्या बोलते हैं, मॉडर्न थ्योरी जो है, मॉडर्न मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी का क्वेश्चन है. तो इसका ऑप्शन डी होगा, द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न कंटिन्यूअसली टू पोस्टपोन. जो डिक्रीजिंग रिटर्न है वह क्या होगा, पोस्टपोन होगा. क्यों होगा, क्योंकि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसमें हमारी कॉस्ट यहां से गिरी और यहां से हमने कांस्टेंट करना चालू कर दिया और फाइनली ये कांस्टेंट हो जाती, सीधी हो जाती है ऐसे, थोड़ा एल शेप में ऐसे हो जाती है इस तरीके से. अच्छा, ऐसा होता क्यों है, इसको बताने के लिए मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी ने दो अप्रोच दिए हैं. क्या, इकोनॉमीज ऑफ स्केल. क्या दिए हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल. कैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. क्लियर आयुष सिमरन, ये क्लियर हुआ इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है. आयुष आपको, चलो अगला क्वेश्चन देखें. The following statement regarding in the long run equilibrium in the monopolistic market, the firms are no profit, no loss situation. There is no entry or exit on the firm. Which of the above statement are true? Answer with the quote. Only A is true. Only B is true. Both A. Huh? तो मोनोपोल, इसमें मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या एंट्री एंड एग्जिट नहीं रहता. किस चीज को लेकर के बोल रहा है, शॉर्ट रन है कि लॉन्ग रन है क्वेश्चन. हाँ? लॉन्ग रन में रहता है एक्चुअली में, मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है. इसका ऑप्शन सी सही है. अब वो क्यों है उसके पीछे का रीजन बता रहा हूं. लॉन्ग रन में क्या, शॉर्ट रन में कंपनियां क्या रहती हैं, नई फर्म्स आती हैं, पर इनका जो मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर है उसमें ये ऐसे मेथड और ऐसे स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ट्रीटेड लाइक एज ए मोनोपोली मार्केट, क्योंकि उनका जो आउटपुट निकल रहा है या सबका मार्केट शेयर क्लियर रहता है. और ये किससे गेम खेलते हैं, किस चीज से, कॉस्ट से खेलते हैं. ये अपनी एवरेज कॉस्ट क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे, है ना. तो इससे क्या होता है, इससे